I would like to thank the Indian ambassador to Bangladesh, Vikram Doraiswamy, जिससे मैंने आज से 15 दिन पहले हमारा कम्युनिकेशन हुआ था. उन्होंने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया एंड आज फिर से आई हैव स्पोकन टू द इंडियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश विक्रम दोरायस्वामी और उन्होंने मुझे खुशखबरी दिया है कि राजीव देव वर्मा और गुरु पद्म देव वर्मा को रिलीज किया जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को चिट्ठी भी आया है कि वो उनको चेक गेट से वापस इंडिया में वापस लेके आए. मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि बहुत कम समय में हमारे इंडियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश ने जो मेरा रिक्वेस्ट था उसको रिस्पॉन्ड किया. आज जब मैंने उनसे खुद बात किया तो उन्होंने कहा कि उनके मदर इन लॉ कोमिला सर और उनका एक सेटअप भी है, उनका पुराना एसोसिएशन है त्रिपुरा के साथ. इनफैक्ट साउथ में उनका एक जगह भी है जहाँ में वो उनका एक ट्रस्ट है जहाँ में वो बहुत लोगों को हेल्प भी करते हैं. तो आज से एक महीने पहले जब मैं राजीव देव वर्मा और गुरु पद्म देव वर्मा के बीवी से मिला था, उनके फैमिली से मिला था, तो मैंने उनको अश्योरेंस दिया था कि उनका रिलीज़ के लिए अगर दरकार हो तो मैं बांग्लादेश भी जाऊँगा. और उसी समय मैंने इंडियन एम्बेसडर से बात किया था और उन्होंने आज इतने जल्दी इतने कम समय में रिएक्ट कर उनका रिलीज़ किया है. तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ऋषिकेतु देव वर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, प्रस्मित को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, विशु को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उनके फैमिली को जिसको मैंने प्रॉमिस किया था कि सब ठीक हो जाएगा. आई एम वेरी हैप्पी और अगर हमारा कोऑपरेशन ऐसे ही रहा तो हमारे जो त्रिप्रसा लोग हैं उनको डरना नहीं चाहिए. आज हम लोग किसी से भी कहीं में भी, बांग्लादेश हो, दिल्ली हो, अमेरिका हो, कहीं में भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमको रिस्पॉन्स भी मिलता है. ये है क्योंकि आज का जो त्रिप्रसा है वो अब दूसरी दुनिया से, दूसरे स्टेट से कम्युनिकेशन करना सीख चुका है और अब कोई भी त्रिप्रसा कहीं में भी अगर फंसा रहेगा तो हम उनको पूरा से पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे. वेल आई नो हम बाय. थैंक यू. धन्यवाद.